इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने 70 करोड़ रुपए की ड्रग मामले में 5 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया था। पकड़े गए मुख्य आरोपी वेद प्रकाश व्यास हैदराबाद से ड्रग्स लेकर इंदौर डिलीवरी लेने आया था। वहीं पुलिस ने आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं क्राइम ब्रांच का एक दल आरोपी व्यास को लेकर हैदराबाद पहुंचा और इंदौर क्राइम ब्रांच ने हैदराबाद में आरोपी वेद प्रकाश व्यास के 3 ठिकानों पर दबिश दी। इसे फैक्ट्री, गोदाम और ऑफिस में पहुंची पूछताछ में पुलिस के सामने आया कि वेद प्रकाश व्यास ही अपने केमिकल ड्रग बनाकर सप्लाई करता था। आरोपी व्यास MR का पूर्व में इंदौर और देवास नीमच आसपास में काम किया है, जिसके कारण एक बार नेटवर्क तैयार हो गया था। वह कई तरह के केमिकल बनाने के फार्मूले भी जानता था। जहां हैदराबाद में उसकी अपनी एक खुद की फार्मा कंपनी शुरू की और ज़्यादा पैसे कमाने की लालच में MDMA ड्रग बनाने लगा और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में ड्रग सप्लाई का काम शुरू किया। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चा के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। क्या अपडेट आया MD ड्रग्स में? इसमें जो विगत दिनों में 70 kg ड्रग्स जब्त किए गए थे, इस संबंध में आरोपियों से पूछताछ की गई है। इसमें से एक आरोपी का हैदराबाद तेलंगाना का रहने वाला पाए जाने पर, जिसका फार्मेटिकल यूनिट के काम है, ड्रग की यूनिट्स है जिसकी, इस संबंध में जो है वहाँ जाकर इनकी चेकिंग वगैरह की जा रही है। संबंधित पुलिस से भी इसमें मदद ली गई है और इनकी प्रॉपर्टी डिटेल्स मिलने जुलने वाले लोगों से और भी इनके जो व्यावसायिक लेन देन है उस संबंध में जानकारियाँ ली जा रही है। हैदराबाद में कुछ मिला था? नहीं, अभी हम लोग जाँच कर रहे हैं। सर कब तक रिमांड पर आरोपी? ये लोग 13 तारीख का। ठीक था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।